बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, रामपुर से आ रही है बड़ी खबर आजम खान को लेकर। इस वक्त की बड़ी खबर, एसपी सांसद समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान जेल भेजे गए। आजम खान जेल भेजे गए, समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान, आजम की पत्नी और बेटे भी जेल भेजे गए। इस वक्त की बड़ी खबर रामपुर से। आजम खान को लेकर आती इस वक्त की बड़ी खबर, लगातार उनके खिलाफ नोटिस, कोर्ट का समन, कोर्ट में ना पहुंचना, कुर्की करना, तो खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं रामपुर से। समाजवादी पार्टी के सांसद कद्दावर नेता आजम खान जेल भेजे गए हैं। आजम की पत्नी और बेटे अब्दुल्ला आजम भी जेल भेजे गए। आजम परिवार को लेकर जिस तरीके से बार बार कोर्ट में पेश होने के लिए उन्हें कहा जाता था, कई मामले, जौहर विश्वविद्यालय को लेकर मामला, उसकी जमीन को लेकर मामला, फर्जी पैन कार्ड को लेकर मामला, फर्जी जन्म प्रमाण पत्र को लेकर मामला, दो दो पासपोर्ट रखने का मामला, तमाम मामलों को लेकर लगातार कोर्ट का समन जाता रहा, नोटिस जाता रहा, लेकिन आजम खान है वो कोर्ट में पेश नहीं हुए। लेकिन अभी की इस वक्त की बड़ी खबर ये रामपुर से। फहीम खान हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रहा है। फहीम, क्या कुछ खबर है? जेल भेजे गए आजम खान, पत्नी और बेटा भी? नहीं नहीं, देखिए देखिए सुनिए, आजम खान कोर्ट में हाजिर हुए हैं। कोर्ट में हाजिर इसलिए हुए हैं कि उनके गैर जमानती वारंट और वारंट चल रहे थे। कल अदालत ने कुर्की के आदेश दिए थे जी, दो मामलों में, उसमें एक पैन कार्ड का मामला था, एक जन्म प्रमाण पत्र वाला मामला था और फर्जी दस्तावेज का मामला था। तो जिसमें कोर्ट ने उनके खिलाफ कुर्की के आदेश दिए थे, जिसमें उनकी कुर्की होनी थी। आखिरकार जो है वो आज रामपुर में आजम खान स्पेशल कोर्ट, एमपी एमएलए कोर्ट, जो स्पेशल एडी जस्टिस कोर्ट है, उसमें हाजिर हुए हैं और अभी उनकी पेशी चल रही है। वो इस टाइम कोर्ट के अंदर मौजूद है और कोर्ट में अभी क्या होना है ये देखना अभी बाकी होगा। लेकिन आजम खान अपने पूर्व विधायक बेटे अब्दुल्ला आजम और समर्थकों के साथ यहाँ कचेरी रामपुर अदालत आए थे और बेटे के साथ अंदर मौजूद है इस वक्त भी, पंकज। लेकिन भाई, जिस तरह से खबर ये निकल कर आ रही है, जो मामले पर पेशी पर वो नहीं पहुंचे थे और बार बार ये कहा जा रहा था कि कुर्की के लिए आदेश हो गया, आज जो पेशी में पहुंचे हैं, तीनों पहुंचे हैं, क्या पूरा परिवार पहुंचा है और क्या कुछ इस वक्त कोर्ट में चल रहा है? देखिए, इस वक्त कोर्ट के अंदर जो अदालती कार्रवाई चल रही है उससे तो हम दूर है, लेकिन जिस तरह से आजम खान और उनके बेटे पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम खान अपने समर्थकों के साथ कोर्ट के अंदर गए हैं, तो ये समझ लीजिए कि पूरा परिवार ही आज कोर्ट में हाजिर हुआ है। वो जो रामपुर विधायिका है तंजीम फातिमा, उनको छोड़कर, तो जिस तरह से देखा जाए कोर्ट की सख्ती के बाद आज आजम खान और अब्दुल्ला आजम हाजिर हुए हैं, क्योंकि कोर्ट ने कल ही इनके खिलाफ कुर्की के आदेश दिए थे और परसों एंटीसिपेटरी बेल इनकी खारिज की थी तीन मामलों में, और एक मामले में गैर जमानती वारंट और एनपीडब्ल्यू किया था आजम खान के। तो कई मामले आजम खान के इस टाइम कोर्ट में चल रहे हैं जिनमें आजम खान की पेशी थी और लगातार कोर्ट की तरफ से आजम खान को बुलाया जा रहा था। जी, फहीम रोक रहा हूं आपको। अनिला सिंह जुड़ रही है हमारे साथ, बीजेपी के प्रवक्ता है। अनिला जी, स्वागत है आपका R9 टीवी में। आजम खान को लेकर सवाल ये कि बार बार आरोप उन पर लगता रहा, फर्जी पासपोर्ट का आरोप, दो दो पासपोर्ट का आरोप, दो दो पैन कार्ड का आरोप, जन्म प्रमाण पत्र का आरोप, जौहर विश्वविद्यालय जमीन को लेकर मामला, कोर्ट समन करता रहा, लेकिन आज कोर्ट में पेश हुए हैं, अभी पूरा परिवार कोर्ट के अंदर है। जी, आजम खान साहब ने जिस प्रकार की राजनीति करी है वो केवल कमाई करी और उसके अंतर्गत इन्होंने अलग अलग घपले घोटाले किए हैं, उसी का नतीजा है कि इनको आज कोर्ट में खड़ा होना पड़ रहा है। पहले भी बुलाया गया तो ये कई बार आते भी नहीं थे, शायद अपने आप को कोर्ट से भी ऊपर समझते हैं, परंतु हम लोगों को विश्वास है, यहाँ के जो लीगल सिस्टम है उस पर विश्वास है और जो कुछ इन्होंने किया है उसकी सजा इन्हें अवश्य मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अनिला सिंह, बीजेपी प्रवक्ता।